हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर आर कुकिंग चैनल। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो अक्सर पुलाव, पिज्ज़ा या पाव भाजी में डाली जाती है। वैसे तो शिमला मिर्च टेस्टलेस यानी इसकी स्पेसिफिक टेस्ट होती नहीं है, लेकिन ये रेसिपी देखते ही उसे आप एकदम स्वादिष्ट टेस्टी बनाना ज़रूर सीख जाओगे। अगर कोई इसे खाने में पसंद ना करता हो तो वो भी ये सब्ज़ी देखकर खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरह से ये रेसिपी बनाना सीख जाओगे तो डेफिनेटली ये आपके यहाँ रेगुलर बनेगी। एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मार्केट से इस तरह की शिमला मिर्च लाएंगे, जो साइज़ में मीडियम साइज़ की हो। वैसे आपको बता दूँ, शिमला मिर्च खाने से पाचन क्रिया सही रहती है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा उपलब्ध है, जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और खाने से दर्द में आराम मिलता है, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो भाई, अपना हार्ट तो एकदम हेल्दी बनाए रखना है हमें, तो हमेशा की तरह आज भी हम कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च काटनी शुरू कर दी है। इस तरह से काटना है हमें, थोड़ा बड़ा साइज ही काटेंगे ताकि ये जब बनेगी तब ये सिकुड़ जाती है। तो ये मैंने कट कर ली है सभी इस तरह से। इसे हम अभी साइड में रखते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ मैंने बड़ा सा प्याज इस तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पीनट्स लिए हैं मैंने, यानी मूंगफली जो मैंने भून ली है, स्वादानुसार नमक, अदरक, लहसुन। और यहाँ ये नारियल को कद्दूकस कर लिया है और थोड़ा लाल मिर्च लगेगा। और ये जो है, ये तिल और जीरा है जो मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि इसका टेस्ट और बढ़िया लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मिक्सर जार ले लिया है, इसमें हम एक एक करके डालेंगे। सबसे पहले मूंगफली जो अच्छे से भून लेनी है, पहले जीरा और तिल, नारियल कद्दूकस किया हुआ, अदरक, लहसुन 5-6 पंखुड़ियाँ और थोड़ा अदरक। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तब तक मैं ये कढ़ाई रख दी है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। यहाँ बड़े बड़े 3 चम्मच हमें ऑयल डालना है। इसे हम अभी गर्म होने देंगे, उसके बाद हम तड़का लगा देंगे जीरा डाल के। तो यहाँ तड़का लग चुका है, इसे ऊपर थोड़ा फ्लोट करने देना है। इस सब्ज़ी के लिए हमें ज़्यादा प्याज लगेगा, तो बड़ा प्याज मैंने काट लिया है। अगर आप ज़्यादा प्याज डालोगे तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ इसे हम फ्राई कर लेंगे, 3 मिनट तक हमें इसे फ्राई कर लेना है अच्छे से। फिर इसमें हम हल्दी डाल लेंगे थोड़ा सा। मिक्स करते जाना है। लाल मिर्च और अब हम डालेंगे शिमला मिर्च। बहुत ही इजी और झट से बनने वाली रेसिपी है और टेस्ट बहुत बढ़िया उतरता है। ये जो मिक्सर में हमने मसाले ग्राइंड किए हैं और शिमला मिर्च, दोनों का स्वाद एकदम मिक्स होके बढ़िया हो जाती है सब्ज़ी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब नमक डाल देंगे।
नमक से क्या होगा, जो नमक हम पहले डालेंगे उसे पानी छूट जाएगा और उसी पानी में ये पूरी सब्ज़ी हमें पकने देनी है 5 मिनट तक। ये थोड़ा नमक से सिकुड़ जाएगी तो इसे 5 मिनट बाद हम देखेंगे। 5 मिनट बाद देखिए, मैंने कहा था ये जो नमक है इसका पूरा पानी निकल आया है और उसी पानी में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी और सिकुड़ जाएगी। इससे ऊपर एडिशनल पानी हमें नहीं ऐड करना है। तो देखिए कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी सिकुड़ गई है, यानी ये पूरी पक चुकी है और गल गई है। अब इस समय हम जो हमने मसाला रेडी किया था, ये मसाला कहो या चटनी कहो आप, ये उसमें ऐड कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे और हम 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो मसाला पूरा अच्छे से मिक्स होके सारा टेस्ट उसमें मिल जाए। तो 3 मिनट के बाद हम देखेंगे, यहाँ देखिए ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। कितनी बढ़िया है, बातों बातों में सब्ज़ी बन गई हमारी। देखिए इसका कलर टेक्सचर एकदम बढ़िया है, उस पर मैंने धनिया स्प्रेड कर दिया है तो और भी बढ़िया हो गई है। इसे रोटी के साथ खाए या नान के साथ या आप खिचड़ी के साथ भी ये खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट्स में कैसी बनी आपकी सब्ज़ी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की नई नई हेल्दी रेसिपीज़ में आपके सामने लाती रहूँगी, वो भी हेल्थ टिप्स के साथ। तो मिलते रहे, जुड़े रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब RR कुकिंग एंड प्लेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। थैंक यू।